अपने घर के किसी भी स्पेशल ओकेज़न पे अगर आप पनीर की रेसिपी बना रहे हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे पनीर करी की रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होगी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमें 400 ग्राम पनीर चाहिए। यहाँ पे मैंने होममेड पनीर का इस्तेमाल किया है और इसे मैंने क्यूब्स में कट किया है, मीडियम साइज़ के पीसेस रखे हैं मैंने। इस रेसिपी के लिए पनीर को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए मैंने, साथ ही दो मीडियम साइज़ का प्याज, दोनों को रफली चॉप कर लिया है। इनका हमें पेस्ट बनाना है। साथ ही 10 से 12 दाने काजू के ले लीजिए और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने मेलन सीड लिया है, जिसे मगज कहते हैं। तो ईजिली आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप में ये मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम प्याज, टमाटर और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 कली लहसुन को मैंने छीन लिया है, इसे ऐड कर देते हैं और इनका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। बिना पानी के पीसिए, टमाटर में काफ़ी मॉइस्चर होता है तो ईजिली ये ग्राइंड हो जाएगा, इस तरह से देखिए। तो इस पेस्ट को हम साइड कर देते हैं। अब हमें दूसरा मसाला पेस्ट बनाना है, जिसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया है काजू, मगज, 1 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर, 1 छोटी चम्मच सौंफ के दाने और इसके साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे ज़ीरा 1 छोटी चम्मच। अब डाला है मैंने 2 सूखी लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर ये आपको ना मिले तो आप पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इनसे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। फ्लेवर के लिए ऐड किया है 4 हरी इलायची। अब डालेंगे इसमें 2 छोटी चम्मच धनिया के बीज। थोड़े से पानी के साथ इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। और यहाँ पे हमारा पेस्ट तैयार हो गया। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। पेस्ट बनाने के बाद अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून के लगभग घी गरम किया है। घी की जगह पे आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी रिक्वायर्ड है इस रेसिपी के लिए। घी के गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कलौंजी और इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम के बीच रखा है मैंने। लगभग 10 सेकेंड लगेगा कलौंजी को भूनने में। उसके बाद हमने जो टमाटर, प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। साथ ही डालेंगे यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर दीजिए लो फ्लेम पे लगभग 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुका है, तो बीच में एक बार अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं और फिर से हम इसे कवर करेंगे ताकि इनका मॉइस्चर जल्दी से ख़त्म हो जाए। प्याज, टमाटर और लहसुन तीनों में कच्चा फ्लेवर काफ़ी तेज़ होता है, जिसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो लगभग 10 मिनट हो गया इसे पकते हुए। अब हम बिना ढक्कन लगाए ही इसे अच्छी तरह से भूनेंगे और यहाँ पे देखिए लगभग 2 से 3 मिनट मैंने और भुना है इसे और साइड से इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। और मसाले का टेक्सचर आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी ये कच्चा है। तो बाकी का मसाला हम भूनेंगे दूसरा मसाला पेस्ट डालने के बाद। तो यहाँ पे पेस्ट ऐड कर देते हैं जो हमने बाद में बनाया था। मिला लेंगे सबको अच्छी तरह से और मिलाने के बाद जितने भी सूखे मसाले बचे हुए हैं वो हम इसी स्टेज पे डालेंगे। फिर हम अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। यहाँ पे डाला है मैंने 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच के लगभग। यहाँ पे ऐड किया है मैंने 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम के बीच रखना है। मसाले को भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इस रेसिपी में, लेकिन इसका ही फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। तो थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन एंड ऑफ रिज़ल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। मिलाने के बाद फिर से कवर करेंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है इसे कवर करते हुए। अब हम कवर हटा के इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और भूनिए ताकि पूरी तरह से इसमें से घी अलग हो जाए। तो मसाले को भूनने में हमें लगभग 25 मिनट लगा है और यहाँ पे मसाले का टेक्सचर आप देख सकते हैं, घी अलग हो चुका है और काफ़ी स्मूथ है, ये देखिए। अब इस स्टेज पे ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे इसमें गर्म पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गर्म पानी ऐड किया है। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके लिए गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने ठंडा पानी डाला तो मसाले का टेम्परेचर लूज़ हो जाएगा और वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा जो इस रेसिपी में चाहिए हमें। अब बाकी का यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी और डाला है, तो लगभग 1.5 कप पानी मैंने ऐड किया है। थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी इसकी, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 कप तक पानी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए टेक्सचर बॉयल इसमें तुरंत आ जाएगा क्योंकि हमने गर्म पानी ऐड किया है। जैसे ही बॉयल आए हम इसमें पनीर के पीसेज ऐड कर देंगे।
हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए और फिर से कवर करेंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि पनीर के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ग्रेवी का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिज़ल्ट, कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का, पूरी तरह से कोरमा या घी ऊपर आ चुका है। गार्निश कीजिए धनिया की पत्ती के साथ और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी का टेक्सचर और ये कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। तो थोड़ी सी मेहनत है लेकिन एंड ऑफ रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, तो एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप खुद इसे बार बार बनाएंगे। तो रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।